हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में दो चीज़ों में डिफरेंस देखिए, एक होती है क्रेडिटर या डेटर पार्टी और दूसरा होता है कैश। तो क्या हम क्रेडिटर या डेटर पार्टी का लेज़र ना लगा करके डायरेक्टली कैश कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ना करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सब को लेकर के एक क्लियर कट वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाउचर में चलते हैं, सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। सेल्स वाउचर में हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कैश का लेजर दिखाई पड़ रहा है। आपको ये पता है कि कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कैश का लेजर तो पहले से बना होता है, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं आपको। तो अभी बनाने की क्या जरूरत है, पहले हम डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे। अब देखिए, परचेस होता तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते, लेकिन यह है सेल्स वाउचर, तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे हम। तो डेटर पार्टी का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाया तो है नहीं हमने, तो बना लेते हैं। ठीक है, बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाकर के यहां से हमें क्या कर, तो ये एंटर कर दिया हमने। अब यहां पर हम डेटर पार्टी का लेजर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया रितेश, और पहचान के लिए आपके यहाँ लिख देता हूँ डी, डी यानी डेटर। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब ग्रुप डिसाइड करना एक अलग मैटर हो जाता है, तो ग्रुप भी आप डिसाइड कर लीजिए। सन्ड्री डेटर ग्रुप होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप सन्ड्री डेटर कर दीजिए, ये सन्ड्री डेटर कर दिया। एंटरप्रेस करते हुए नीचे आइए, यहाँ पर आइए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, और एंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ डिस्पैच की डिटेल आपको डालनी होगी, फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो GSTIN टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो GSTIN आपके पास है तो वो टाइप कर दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड कर दिया। 57 आइटम है हमारे पास, चलिए 50 आइटम हम सेल कर देते हैं। सेलिंग रेट क्या रखते हैं हम, यहाँ पर रख देता हूँ मैं 700 रुपये का एक। ठीक है, तो ये सेलिंग रेट हो गई है। बाकी GST का लेजर अगर आपने बनाया है तो वो लगा सकते हैं, CGST लगा दिया, और फिर SGST अगर सेम स्टेट की बात होगी तो यही हम लगाएंगे। तो दोनों लगा दिया, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट भी करा लिया। अब ये एंट्री तो हो गई पास, लेकिन इसको देखना होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर के, यहाँ के डिस्प्ले में जाकर के देख सकते हैं। के प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले वाला ओपन हो जाएगा, और ये सेल्स वाउचर की एंट्री है आपकी, यही तो एंट्री है। तो आप देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 में ये एंट्री पास हुई है। और अगर आप इसका पेमेंट करने जाते हैं, ठीक है, अब देखिए सेल्स है तो वहां पेमेंट नहीं होगा, वहां रिसीविंग होगी, क्योंकि आपकी सपोज कीजिए एक शॉप है, कंप्यूटर की शॉप है, जहां आप कीबोर्ड की सेलिंग कर रहे हैं, तो आप ग्राहक से पैसा रिसीव करोगे, ना कि आप ग्राहक को पैसा दोगे। ठीक है, यहां पर ये बात क्लियर है, इसीलिए हमें कहां चलना है, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे हम, और फिर यहां से जाते हैं रिसिप्ट वाउचर में, तो यहां पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम रिसिप्ट वाउचर में हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ क्रेडिट किसको करना है, तो देखिए जो हमने डेटर पार्टी बनाया था उसी को क्रेडिट करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम लेंगे तो 42,350 रुपए यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, ठीक है, हम वो एंट्री देख लेते हैं एक बार फिर से जो हमने सेल्स वाउचर में की थी। तो ये देखिए यही वो एंट्री है, और यहाँ पर टोटल जब देखते हैं तो आपको 42,350 रुपए मिलता है। ठीक है, तो ये जो टोटल है ना, ये वही टोटल है जो कि आपको रिसिप्ट वाउचर में दिख रहा है। वी प्रेस करके वापस से अब हमें चलना है रिसिप्ट वाउचर में, तो F6 प्रेस कर सकते हैं आप, या क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, डेटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 42,350 अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये 42,350 पेमेंट किया, अब ये अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप चला जाता है, और जो आपका बिल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर कैश में आप पैसे दे दीजिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उससे भी पैसे दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे पास कैश माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी इसको अवॉइड करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, बाहर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आप कैश में ही, अब जैसे मान लीजिए हमको एक और सेल करना होगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वी प्रेस करता हूँ, और चलते हैं फिर वापस से सेल्स वाउचर में। ये आ गए सेल्स वाउचर में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटर पार्टी के बजाय कैश का लेजर लगाते हैं। तो ये कैश का लेजर लगाया, डिस्पैच की डिटेल आप चाहे तो भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। यहाँ पर हमें अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ रेगुलर कर देना होगा, और यहाँ पे आप अपना GSTIN नंबर जरूर इनपुट कर दें, जो भी आपका GSTIN है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट लगाया, फिर वापस से आते हैं कीबोर्ड, 7 आइटम मौजूद है, हम 7 आइटम सेल कर देते हैं। तो एक आइटम 700 का सेल कर रहे हैं, और बाकी यहाँ CGST SGST जो भी है वो लगा लीजिए। तो CGST आ गया, और बाकी यहाँ SGST भी आ जाएगा, तो ये SGST कर लेते हैं, तो ये हो गया SGST। ठीक है, तो CGST और SGST आ गया, और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये भी एंट्री हो गई पास।
लेकिन अब क्या हम सेल्स यहां से बाउचर में जाते हैं और उससे बाउचर में जाते हैं, तो अभी क्या आपको यहां पर कुछ दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपने कैश में सेल किया ना, तो आप यहां पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पार्टी तो आपने बनाई नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप उधार का माल परचेस कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उधारी का माल जब परचेस करेंगे तो क्रेडिटर या डेटर पार्टी का लेजर लगाना होगा। डेटर पार्टी का लेजर सेल्स वाउचर के लिए और क्रेडिटर पार्टी का लेजर परचेस वाउचर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।